इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है। एक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया डाइजोनियम सॉल्ट है ना, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उससे बहुत सारी चीजें हम बनाते थे, ठीक। उसके अलावा NH2 की जो मेन रिएक्शंस होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना। ब्रोमीन वाटर अगर हम रिएक्ट कराएंगे, ब्रोमीन वाटर, तो क्या ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, 3-3 ब्रोमीन लग जाएंगे, ठीक है। ऑर्थो पे, पैरा पे, दोनों ऑर्थो पे, पैरा पे, सब पे ब्रोमीन लग जाएगा। बहुत मुश्किल होता है इसके रिएक्शन को कंट्रोल करना, और उसके लिए हमने क्या तरीका देखा था लास्ट क्लास में, एसिटाइलेशन है ना। NH2 ग्रुप का हम क्या करते हैं, एसिटाइलेशन कर देते हैं कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन। एसिटाइलेशन के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड विद पिरिडीन रिएक्ट कराते हैं, क्लियर है। NHCOCS3 बन जाता है, क्या बन जाता है, NHCOCS3। ये रिएक्शन बहुत बार आई हुई है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एडवांस में भी आई हुई है। एसिटाइलेशन कराया पहले, ठीक है। अब ये NHCOCS3 ग्रुप मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है ना, NH2 तो हाईली एक्टिवेटिंग था, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है क्योंकि खींचने वाला ग्रुप भी लगा हुआ यहाँ पे CO। अब इसका जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो वो सिर्फ एक जगह होगा है ना, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, और मोनो कहाँ पे होगा, पैरा पे, मेजर कहाँ बनेगा, पैरा। समझ आ रहा है, ठीक है। कैसे हमने कंट्रोल किया इस रिएक्शन को, फिर वापस से हम कन्वर्ट कर देते हैं, वापस से NHCOCH3 को जब चाहे तब हम हाइड्रोलिसिस से वापस कन्वर्ट कर सकते हैं NH2 में। और CH3COH निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी मैंने आपको बताई दी थी, दोबारा से एक बार देख ली हमने। क्लियर है, सबको रिएक्शन एसिटाइलेशन से कंट्रोल करते हैं, एसिटाइलेशन से रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो टू कंट्रोल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एनिलिन, एसिटाइलेशन इज डन। ओके एवरीवन, ठीक है, ये रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके जो रिएक्शंस हैं उनमें बहुत सारे पंगे रहते हैं, क्या पंगे रहते हैं, जब हम कंसेंट्रेटेड HNO3H2SO4 करते हैं, नाइट्रेशन जब इसका कराते हैं, ठीक है। तो NH2 कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे आना चाहिए था, लेकिन इसके जब प्रोडक्ट्स देखे गए, NCERT में डेटा है ये, याद रखना है आपको, तो पैरा मेजर प्रोडक्ट आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे मेटा आ गया, मेटा डायरेक्टिंग भी बना, मेटा पे भी NO2 आया, और थर्ड पोजीशन पे चला गया हमारा ऑर्थो वाला, ठीक है। तो याद रखना है, NCERT में लिखा हुआ है पूरा, इसके ऊपर डायरेक्ट कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी आया था रीजनिंग के ऊपर कि क्यों ऐसा हुआ। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक। तो जब हमने एनिलिन का नाइट्रेशन कराया तो ये डेटा मिला हमें, 51% पैरा वाला मिला, 47% मेटा वाला, इतना ज्यादा अमाउंट में मिला, ऑर्थो वाले से तो बहुत ज्यादा, ऑर्थो वाला सिर्फ 2%, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है, रीजन क्या है बच्चों इसका, कि नाइट्रेशन के टाइम पे, समझ गया, पहले तो ये डेटा याद होना चाहिए। इसका रीजन है कि नाइट्रेशन के टाइम पे ये एनिलिन क्या है, बेसिक, इसमें स्लाइटली बेसिक नेचर होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ये H+ खा के एनिलिनियम आयन बन जाता है, क्या बन जाता है, एनिलिनियम आयन।
रिएक्शन के बीच में एनिलिनियम आयन बन जाता है, और एनएच थ्री प्लस ग्रुप फोर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कहानी समझ आ रही हो? ठीक है, रिएक्शन के टाइम पे ही बीच में एनिलिन एनिलिनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा हुआ। बात समझ आ रही सबको? ठीक है, क्लियर है? तो इस वजह से मेटा डायरेक्टिंग वाला भी बना और अच्छे खासे अमाउंट में बना। क्लियर है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी आपको। तो एनिलिन का रिएक्शन कराते वक्त बहुत सारे पंगे होते हैं, इतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है फिर भी उस वजह से पंगे ही बहुत सारे। एक जगह तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग हो गया, एक जगह इसने ये एच प्लस के साथ ही रिएक्ट कर गया तो है ना रायता फैला दिया, इसने तीन तीन तरह के प्रोडक्ट बन गए, ऑर्थोमेटा पैरा तीनों बना दिए, और फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन दे ही नहीं पाता ये। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन ही नहीं दे पाता इतना हाईली एक्टिवेटिंग होने के बाद भी। रीजन ये मैंने आप कुछ नहीं ना, ये तो 11th क्लास में बताया था वैसे तो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में रीजन होता है ये। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस में क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 होता है, लुईस एसिड। ठीक है, ये लुईस एसिड के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, NH2 के पास लोन पेयर है, बेसिक नेचर है थोड़ा सा। लुईस एसिड को क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए। समझ आ रही बात? AlCl3 ये Cl हटाते हैं, Cl के लोन पेयर पे अटैक करते हैं, Cl हटाते हैं फिर इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन यहीं पे रिएक्शन रुक जाती है। NH3 ये लोन पेयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, एनिलिन अंडरगो या रिएक्ट्स विद लुईस एसिड, ठीक है। रीजन समझ आ गया चुके हो? इसके बाद लोन पेयर है और लुईस एसिड को लोन पेयर चाहिए, ये ज्यादा डोनेटिक है इनफैक्ट Cl से भी। बताओ जो क्लियर है सबको? दोनों रीजन, ऊपर वाले दोनों रीजन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ये रीजन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो एनिलिन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता, नाइट्रेशन में मेटा वाला बना देता है, ये सब कुछ अलग अलग सी चीजें कर रहा है। क्लियर है? समझ आ रही सबको? सल्फोनेशन में क्या खास बात है इसके? सल्फोनेशन जब हम कराते हैं तो ये ग्रुप बन, ये कंपाउंड बनता है, सल्फोनेशन पैरा पोजिशन पे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप NH2। लेकिन इसमें क्या खास बात हो जाती है, इसमें ये एसिडिक ग्रुप है बच्चों और ऊपर बेसिक ग्रुप है, आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, आप इसमें ही एसिड बेस रिएक्शन खेल जाते हैं, H प्लस निकल के वहां पे जाके चिपक जाता है, H प्लस यहां से निकल के ऊपर जाके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपस में ही खेल जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन होता है जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, कैटायनिक पार्ट भी, एनायनिक पार्ट भी। ठीक है, ज्विटर आयन आपका बायोमोलिक्यूल्स में भी आएगा। ज्विटर आयन ऐसा चीज होती है जिसमें जो ओवरऑल न्यूट्रल है लेकिन उसमें दोनों पार्ट है, कैटायन भी एनायन भी है, तो ऑब्वियसली दोनों मिलकर क्या बन गया, ये न्यूट्रल बन गया। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्लियर है? याद रहेगा ज्विटर आयन।
तो सल्फोनेशन जब हम करते हैं तो ये बनता है और उसका ज्यूटेराइन में कन्वर्ट हो जाता है, वो बनती है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियरेंस आपको ये सारी रिएक्शंस अभी तक जो एनिलिन की आई है अलग अलग सी अजीबोगरीब सी? यस सर। एनिलिन के लिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट टेस्ट, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, डाइट टेस्ट फॉर एनिलिन। डाइट टेस्ट क्या होता है? NH2 को हमने रिएक्ट कराया NaNO2HCl से, ठीक है, क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आप जानते ही हो, बहुत बार यूज कर चुके हम इसको, N2+Cl-। क्लियर है? अब ये है ना, मैंने आपको बताया था वहां पे फिनॉल में भी कपलिंग रिएक्शन, ये कपलिंग रिएक्शन देता है ना, ये रिएजेंट बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें अगर मैं डालूंगा फिनॉल डाल दूंगा, फर्दर इसमें क्या डाल दूंगा? फिनॉल, सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहले मैंने एनिलिन था, इसका टेस्ट चल रहा है, NaNO2 डाला, एसिड डाला इसके ऊपर, बना हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसी में थोड़ा फिनॉल डाल, तो फिनॉल डालते हैं तो बच्चों कपलिंग रिएक्शन होती है, ये है ना, मैंने आपको वहां पे भी लिखवाया था, ऑरेंज कलर का डाई बनता है इस केस में फिनॉल के केस में। क्या बनता है? ऑरेंज कलर का डाई। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये टेस्ट की तरह यूज होता है। बीटा नेफ्थॉल भी डालते हैं, क्या डालते हैं? बीटा नेफ्थॉल, फिनॉल जैसा ही होता है, फिनॉल जैसी शक्ल होती है। तो एनिलिन से बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसमें आपने डाला बीटा नेफ्थॉल, याद रखना है एल्कलाइन मीडियम में बीटा नेफ्थॉल, दिस इज बीटा नेफ्थॉल, ये बीटा पोजिशन है, दूसरी पोजिशन पे चल रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर है? सेम रिएक्शन होगी, कोई डिफरेंस नहीं है, कपलिंग रिएक्शन होगी, बस डिफरेंस क्या है इसका, पैरा आप देखो ऑक्यूपाइड है, पैरा पोजिशन ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, तो ये और तो पिल चिपक जाएगा जाके। तो यहां पे कपलिंग हो जाएगी, बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? ठीक है, डाई कलर्ड डाई बनेगा यहाँ पे, एंड दिस इज नोन एज डाई टेस्ट। तो अगर कंपाउंड को हमने NaNO2HCl से रिएक्ट कराया, फिर बीटा नेफ्थॉल या फिनॉल डाला और कलर डाई बना, तो वो एनिलिन होगा, वहां पे NH2 ग्रुप होगा। समझ में आया बच्चों सबको? ठीक, दिस इज नोन एज डाई टेस्ट। बस ये सारी रिएक्शन है एनिलिन की, है ना, और अमाइंस के हम देख ही चुके हैं एनिलिन की रिएक्शन ये सारी है। क्लियर है बच्चों सबको? किसी को कोई डाउट रिएक्शंस में? ठीक है, दिव्यांशी खतरनारी बात क्या थी? मेहर क्लियर है? प्रिंस राहुल समर्थ श्रेया समझ आ गया सबको? वृष्टि अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके बहुत सारे, उससे पहले लास्ट चीजेस में है हमारी इंपॉर्टेंट, वो है बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, तो अमाइंस आर बेसिक ड्यू टू देयर लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से बेसिक होते हैं। ठीक है, एनिलिन इज लेस बेसिक क्योंकि इसका लोन पेयर कहां इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है।
जो समझते हो सब लोग ये चीज है ना, लोन पे चला गया रेजोनेंस में, तो एसिडिक सॉरी बेसिक करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया, तो माइंस आर मोर बेसिक देन एनिलिन। कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। इससे भी कम बेसिक होता है ये, क्योंकि इसका लोन पेयर कहां चला गया, एरोमेटिसिटी में, समझते हो सब एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो पाए सिग्मा पाए, कितने पाए इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाए इंक्लूडिंग दिस लोन पेयर, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। ये एरोमेटिक हो गया, अब लोन पेयर कहां चला गया, एरोमेटिसिटी में, और कम बेसिक हो गया, उल्टा भी उल्टा साइन लगा दिया, बताओ जो कोई डाउट किसी को। एनिलिन से भी कम बेसिक हो जाएगा ये वाला कंपाउंड, पायरॉल बोलते हैं इसको, ठीक, बिकॉज लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी। ये तो हो गए कम बेसिक वाले। एनिलिन से ज्यादातर पिरिडीन, है ना, ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन कंपाउंड्स हैं। पिरिडीन, इसमें लोन पेयर बाहर है रेजोनेंस से, इसको थोड़ा बेसिक बोलते हैं। बाहर क्यों है, क्योंकि कॉन्जुगेशन किसका चल रहा है, पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए, 3 पाए बॉन्ड्स हैं, वही आपस में रेजोनेंस खेल रहे हैं, लोन पेयर रेजोनेंस से बाहर है, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत। तो पिरिडीन में लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होता, रेजोनेंस से बाहर होता है, इसलिए बेसिक है। बाकी एनिलिन में कॉन्जुगेशन में है लोन पेयर, पायरॉल में तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो ये कुछ बेसिक करेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? हालांकि पिरिडीन से ज्यादा बेसिक ये होगा, नॉर्मल रिंग वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्या रीजन है कोई बताएगा, एनीवन? क्योंकि डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन आपको याद होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर याद हो आपको तो ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिंगल बॉन्ड वाला, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो उतना खुशी खुशी नहीं देगा लोन पेयर। समझ में आ गई बात बच्चों सबको, इतनी सबको ये रिंग वगैरह सब क्लियर है, कितना कैसा बेसिक करेक्टर किसमें ज्यादा किसमें कम, अंडरस्टूड एवरीवन? अभी क्वेश्चंस करेंगे है ना, तो फिर आपको कर बताने, अभी पूछ लो कोई डाउट वाउट आ रहा तो, ठीक है आर्यन। तो लोन पेयर जिसमें ज्यादा होगा बच्चों, ज्यादा फ्री होगा वो ज्यादा बेसिक, जिसमें फ्री नहीं है वो कम बेसिक। रिंग वाले इस टाइप के एग्जांपल्स बनेंगे, उसके अलावा ये आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिक करेक्टर को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा भाई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएंगे, सॉरी बाबा एसिडिक बोल रहा हूँ, बेसिक करेक्टर को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिक करेक्टर को कम करेंगे।
ये सब हम बहुत बार कर चुके हो चुके हैं ना, ये प्लस आर रेजोनेंस से देगा इलेक्ट्रॉन, ये आई इंडक्टर से देगा इलेक्ट्रॉन, प्लस आर स्ट्रॉन्ग प्लस आई वीक दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन, सी एल खींचेगा माइनस आई, एनओ टू माइनस आर, मतलब कोई दिक्कत किसी को? प्रिंस समझ में आ रहा है? एनी डाउट? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे। ठीक है समझ, एनी डाउट? श्रेया समझ आ रहा है? बताओ भाई, पूछना हो तो अलग। तो नॉर्मल अगर हम गैसेस फेज की बात करें, गैस फेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। प्लस आई ज्यादा तो बेसिक करेक्टर ज्यादा, गैस फेज तो ये चीज बोल रहा है इस फेज में, गैस फेज में। गैस फेज में, गैस फेज अगर स्पेशली मेंशन किया हुआ हो तो, गैस फेज अगर स्पेशली मेंशन किया हुआ हो तो, अगर कुछ ना मेंशन किया और सॉल्यूशन या एक्वस फेज मेंशन किया हो तो, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत दो फैक्टर्स आते हैं, दो चीजों पे फिर डिपेंड करता है, दो चीजों पे बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है, प्लस आई इफेक्ट एंड एच बॉन्डिंग विद वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एच बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है एच बॉन्डिंग पे भाई? क्यों? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं ये कैटायन। अंडरस्टूड? ये कैटायन जितना स्टेबल होगा ना, मैंने आपको हमेशा जब बताया एसिडिक करेक्टर देखते हैं, हम एनआईएन की स्टेबिलिटी देखते थे, किसकी स्टेबिलिटी देखते थे? एनआईएन। क्लियर है बच्चों? ध्यान से सुनना मेरी बात। और यहाँ पे कैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं इसकी, तो कैटायन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट और एच बॉन्डिंग विद वाटर। ऑलराइट, तो जितने ज्यादा आर होंगे, एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना आई इफेक्ट ज्यादा होगा, मानते हो बात को, है ना? आर एन एच टू है, आर टू एन एच है, एल्काइल ग्रुप बढ़ गया, लेकिन एल्काइल ग्रुप बढ़ने से एच बॉन्डिंग कम हो जाएगी, उल्टा हो रहा है, एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है। समझ आ रहा है सबको? सोच लो आराम से, क्लियर है पॉइंट ये सबको बच्चों? एक बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज, ओके, आई इफेक्ट बढ़ रहा है, एल्काइल ग्रुप एच बॉन्डिंग घट रही है, तो ऐसे में आपको पता है केमिस्ट्री है, फिर हमारे हाथ में बात नहीं रह जाती, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आता, डेटा से आपको याद रखना है, और दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो आपको स्पेशली याद रखने। समझ में आ रही बात सबको? एनी डाउट? दो नंबर आते हैं 213 और 231, 213 213 213 छोटे के लिए, व्हेन आर इज मिथाइल,
मिथाइल ग्रुप के लिए। समझ में आ रहा है जो कैसे याद रखना है? 2 degree, 1 degree, 3 degree ये ट्रेंड देखा गया है टेक्को सॉल्यूशन में। कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, याद करना पड़ेगा। 213 जब एल्काइल ग्रुप क्या हो, मिथाइल, और 231 हायर नंबर, हायर दो के लिए, इथाइल और मिथाइल और इथाइल दो के लिए बस। बताओ जो समझ में आ रही बात सबको, याद हो जाएगा। रीजन क्लियर है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे, क्योंकि दो इफेक्ट है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। एक तरफ से बढ़ रहा है एल्काइल ग्रुप और एच बॉन्डिंग साथ साथ घट रही है, ऐसे में फिर वो बैलेंस बना के चलना पड़ता है। सबको आ रहे हैं, समझ में आ गया, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिव्यांशी, समझ में आया? यस सर। समर्थ बात समझ आ गई? यस सर। वो जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत, है ना, 213, 231 क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो क्वेश्चन अभी हम करेंगे मेंस के, तो आपको ये सारी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। बेसिक करेक्टर पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर, ये भी जानते हो आप। केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर ज्यादा तो केबी ज्यादा, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम से आगे ये सारी चीजें। पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर, है ना। जैसे बच्चों पीएच ज्यादा एसिडिक तो पीएच कम, समझ में आती है सबको बात। पीएच 1 इज मोर एसिडिक, तो पीकेबी, पीकेबी होता है माइनस लॉग केबी, उल्टा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर, है ना। तो कुछ कंपेयर करने के लिए, पीके भी कंपेयर करने के लिए आएगा, तो बेसिक करेक्टर का उल्टा ऑर्डर लिखना होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट कुछ हमारे डिस्कस हो गए हैं ऑलमोस्ट बेसिक करेक्टर के। एक लास्ट देखो, इस टाइप के ये हाईली बेसिक आएंगे, कहेंगे हाईली बेसिक, कहने को ऐसे भी बोल सकते हो आपके भी 3-3 लोन पेयर हैं, ज्यादा लोन पेयर होंगे, एक तो एक ना एक लोन पेयर तो फ्री रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जो ऐसे ही बोल सकते हो आप। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट तरीका क्या होता है बोलने का, कैटायन बना के, ठीक है, जो कैटायन जब हम इसमें बनाएंगे तो H प्लस मान लिया ऊपर वाले नाइट्रोजन पे जाके बैठा, ऊपर वाले नाइट्रोजन पे जाके बैठा, ठीक, ध्यान से समझना इसको। जुगाड़ वाला तरीका तो ये हो गया कि भाई ज्यादा लोन पेयर, अंडरस्टूड एवरीवन। दूसरा तरीका ये एक्चुअल तरीका कि भाई ये कैटायन बन रहा है और इसमें जो कैटायन बना है ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन बैक बॉन्डिंग, ये लोन पेयर इधर से दोनों तरफ से बैक बॉन्डिंग देगा, समझते हो सब लोग, ये बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से ये इसको कैटायन को स्टेबल कर देंगे, बैक बॉन्डिंग से कैटायन को क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक। इस वजह से कैटायन हाईली स्टेबल हो जाएगा, दो जगह से बैक बॉन्डिंग मिलने की वजह से, इसलिए हाईली बेसिक हो जाएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ, अभी हम करेंगे मेंस के क्वेश्चन, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। बताओ जो कोई दिक्कत, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे बेसिक करेक्टर के।
शुरू जाओ फिर तो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। पहले जी मीन्स जो लास्ट क्लास में मैंने शीट भेजी आपको 2019 वाली, उसका क्वेश्चन वन, थ्री बेसिक कैरेक्टर पे ही है। कुछ बस ये करना है आपको, करो। नहीं बता ना फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करना होता है हमने, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है यहाँ पे सीधे सीधे एच बॉन्डिंग पे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एच बॉन्डिंग। ठीक है, इसलिए हमेशा 1 डिग्री माइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 2 डिग्री माइन से, 3 डिग्री का सबसे कम, क्योंकि 1 डिग्री में एच बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, एच ज्यादा फ्री वहां पे है। समझ में आ रहा सबको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग। क्लियर है सब कोई चीज? ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, 1 डिग्री 1 डिग्री में ही कंपेयर करना हो तो सिंपल सी बात है जो आपको पहले से पता दी है, ब्रांचिंग ज्यादा होती है हाइड्रोकार्बन वाला फंडा, एल्केन्स वाला फंडा, ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना। स्ट्रेट चेन में ज्यादा क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वैन डेर वाल अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। अंडरस्टूड? ये पॉइंट वहीं से आ गया आपका, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने 2-3 जगह, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्लियर है बच्चों? तो एच बॉन्डिंग देखेंगे सबसे पहले, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और अगर सेम है 1 डिग्री 1 डिग्री है 2 डिग्री 2 डिग्री है तो उसमें हम ब्रांचिंग से कंपेयर कर लेंगे। और ऑब्वियसली कार्बन्स बढ़ेंगे तो मास बढ़ने की वजह से, है ना, 1 डिग्री 1 डिग्री ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऑब्वियसली कार्बन बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
तीनों पॉइंट क्लियर है मुझे, कोई डाउट किसी को? सो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या मोलर मास, क्लियर एवरीवन? दूसरा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वो भी फिर से वही एच बॉन्डिंग, जितना पानी के साथ एच बॉन्डिंग बनेगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी भाई, है ना? तो सॉल्युबिलिटी इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग. फिर से वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री माइनस विल बी मोर सॉल्युबल इन पानी. क्लियर है? और यहां पे उल्टा होता है, कार्बन बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है. आपको पता है कार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, है ना, वाटर रिपेलिंग होते हैं कार्बन. तो जितने ज्यादा आप कार्बन बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. उल्टा है बॉइलिंग पॉइंट से, सिंपल से पॉइंट्स हैं, सबको समझ में आने चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. जो दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ध्यान रखने अपने. एनिलिन का सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगा, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उसमें कार्बन है ना, बेंजीन रिंग है. क्या है उसमें? बेंजीन रिंग है जो कि वाटर रिपेलिंग होगी, है ना. क्या होगी वो? वाटर रिपेलिंग होगी. क्लियर है बच्चों? ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए अपने अमाइंस चैप्टर के. तो कुछ बचा नहीं है इसमें, क्वेश्चंस एक दो और देख सकते हैं. तो आपका काम है बहुत सारे, मैं आपके ऑर्गेनिक पे टेस्ट लूंगा तभी आपको याद होगा. टेस्ट सारे दिया करो, कई लोग देते नहीं है टेस्ट, है ना. टेस्ट लोग टेस्ट आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो फिर उसमें आप लोग दे दिया करोगा टेस्ट, ठीक है. समझ में आ रही बात सबको? यस सर. इसी शीट का जो 9th क्वेश्चन और कर लो एक बार, जो अभी शीट हमने की है उससे मोस्टली क्वेश्चंस कर लिए सारे. 9th क्वेश्चन और कर लो एक बार, 9th 2019 वाली शीट का ही. नेक्स्ट क्लास से हम काइनेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है वृष्टि. नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स, आपका फिजिकल का जो चैप्टर बचा है.
ठीक है दिव्यांशी, दिव्यांशी तेरा कब एग्जाम? मैंने भी कुछ बताया था ना, तेरी भी कोई फरमाइश थी? सर मेरा 12th जुलाई। हाँ कौन सा टॉपिक आ रहा है तेरा, कौन सा टॉपिक पढ़ना तुम्हें? कोऑर्डिनेशन। यस सर कोऑर्डिनेशन। अच्छा तू अलग से पढ़ लेना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। कोऑर्डिनेशन थोड़ा है समझने वाला टॉपिक, कुछ पूछना हो पूछ लेना, मॉर्निंग टाइम में टाइम निकाल के खुद से मैसेज कर दे, पहले ही बोला था तेरे को ठीक है, मॉर्निंग टाइम में तू टाइम निकाल के मैसेज कर दे सर इस दिन, ठीक है? ओके सर। आर्यन सही से क्वेश्चन क्वेश्चन कर ठीक है, कुछ मिस हुआ तो बता दे यार। फर्स्ट स्टेप है NaNO2 Express, क्या OH से बच्चों OH आ जाएगा, NH2 की जगह क्या जाएगा OH है ना, सीधे सीधे याद रखो डायरेक्ट, बहुत आराम से स्पीड बन जाएगी, ऑर्गेनिक में बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस आएंगे, स्कोरिंग मीन्स में OH की जगह NH2 की जगह क्या आ गया OH आ गया, CrO3H+ ऑक्सीडाइज कर देगा इसको COH ग्रुप में, ठीक है एक दो तीन, तीन कार्बन, एक दो फिर तीसरे कार्बन पे COH, ठीक है समझ आ रहा है। और जो H+ से H प्लस से क्या होगा, एक तो OH हटेगा
एच प्लस जो है ये OH हटाएगा, यहाँ से तोड़ देगा, आपको पता है ये यहाँ से तोड़ देता है, यहाँ से भी तोड़ देगा, वहां से भी तोड़ देगा, दोनों जगह से तोड़ देगा, ठीक है। एक तरफ तो आ गया OH, लेफ्ट साइड तो आ गया OH, ठीक है। राइट साइड ये जो CO प्लस बना है ये बेंजीन रिंग पे ही है ना, OH आ गया, OH क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये यहीं पे अटैक करवा देगा बेंजीन रिंग पर ही। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा फेवरेट है जेई मेंस जेई एडवांस्ड में, आपस में रिंग बना देना, ठीक है। कुछ भी घुमा फिरा के ईएस दिख रहा है करा दो, वहीं पे अटैक करा दो बेंजीन रिंग पे ही। ऐसे क्वेश्चंस बहुत जगह मिलेंगे आपको, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी कुछ ऐसे, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, समझ में आ रही बात, तो कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है भाई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस की, ओके चलो बाय। फिर ये हमारा ऑर्गेनिक खत्म यहाँ पे बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपना फिजिकल का चैप्टर काइनेटिक्स, ओके। डाउट्स और पूछो, बाय।